इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, लव जिहाद का मामला फिर आया सामने। अनवर ने अन्नू बनकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध। पोल खुलने पर युवती को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया। हीरानगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। जी हां, इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद की घटना सामने आई है, जहां आरोपी सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद में रहने वाले आरोपी अनवर ने अन्नू बनकर पहले युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब आरोपी की पोल खुली तो वह पीड़िता को धर्म परिवर्तन और शादी के लिए धमकाने लगा। घटना की जानकारी लगते ही इंदौर विभाग बजरंग दल संयोजक तन्नु शर्मा पीड़िता परिवार से मिले और कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर बजरंग दल के जिला संयोजक तन्नु शर्मा जी। तन्नु शर्मा जी, बताइए क्या है पूरा मामला? कल दोपहर की घटना है, जहां एक पीड़ित महिला थाने के चक्कर लगा रही थी, से किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा था। इस बीच में किसी स्थानीय हिंदू समाज के परिजनों ने मेरा नंबर दिया और उनसे बोला कि इनसे गुहार लगाइए, शायद ये आपकी कुछ मदद कर सके। इस बीच में उन परिवारों से मेरे संपर्क हुआ और उन्होंने घटना बताई, तो मैं घटना से अवगत श्री सामान थाना प्रभारी दिलीप पुरी जी को करवाया और उन्हें बताया कि शहर में एक लव जिहाद का चलन चल पड़ा है। मुस्लिम समुदाय के लोग सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू बहनों को फर्जी नाम बताकर, हिंदू नाम बताकर दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद उनको कहीं ना कहीं 35 टुकड़ों में, कभी सूटकेस में और कहीं ना कहीं बलात्कार देते हैं, धर्मांतरण की धमकी देते हैं। इसमें हमारे मनोज जी यादव, राहुल जी राठौड़ और उनके कृष्णा जी व केसी जितेंद्र शर्मा के साथ में बजरंग दल की टीम थाना हीरानगर पहुंची और महिला को न्याय दिलाने के लिए थाने पर गुहार लगाई, जिस पर श्रीमान थाना प्रभारी हीरानगर के दिलीप पुरी जी ने उस पूरी घटनाओं को सुना और महिलाओं को भी उसके सामने अवगत कराया कि किस प्रकार इंस्टाग्राम पर अनवर से, जो अनवर था मुस्लिम समुदाय का था, इंस्टाग्राम पर अन्नू बनकर उससे दोस्ती करी, उससे अवैध संबंध बनाए, अवैध संबंध बनाने बाद में उसके साथ में धर्मांतरण का दबाव बनाया। जब महिला को मालूम पड़ा कि ये तो अन्नू, ये तो हिंदू नहीं, ये तो मुस्लिम अनवर है, तो उससे उसने किनारा करने की कोशिश करी, क्योंकि हिंदू धर्म में मुस्लिम समुदाय का एक चरण चल पड़ा है लव जिहाद कर हिंदू बहनों की हत्या करना। उस बहन को लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी हत्या पेटी टुकड़ों में कर सकता है, पर जिहादियों की मानसिकता ये रही कि उसने लगातार दबाव बनाया और उस महिला की जहाँ पे उसकी उसकी संबंध करे थे वहां भी उनको डराने की कोशिश करी कि इस महिला से आप संबंध तोड़े, तो घबराई और परिजनों को बताया। परिजनों ने बजरंग दल से संपर्क करा और आज कल हमने दोपहर में उससे लेकर शाम तक हमको थाने पर हो गया और वहां पर थाना प्रभारी से पूरा विषय को अवगत कराकर थाना 376 और लव जिहाद जैसे धर्मांतरण से विरोध में उस पर कार्रवाई करवाई है और इंदौर शहर के प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से बजरंग दल ने मांग करी है कि लव जिहाद पे सख्ती बरती जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी हमारी हिंदू बहन जो श्रद्धा के रूप में इंदौर में देखा जाए। बजरंग दल ने भी लगातार इंदौर शहर में जिहादियों पर नजर गड़ाए हुए हैं और नजर गड़ाने के बाद में उनको उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, बजरंग दल ने उंगली टेढ़ी कर ली है और उनको उनकी भाषा में जवाब देकर सड़कों पर जूते मारकर और उनकी पिटाई करके उनको थाने में सुपुर्द कर रहा है। जी जी, ऐसे मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, जहां तक की नवरात्रि के टाइम भी ऐसे मामले सामने आए थे, तो इन सब मामलों को रोकने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? हमने नवरात्रि शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ तक की हिंदू समाज को भी इस घटना से अवगत कराता है कि यह के लोग हमारे धर्म में घुसपैठ जमा रहे हैं, हिंदू बनकर घुसपैठ जमा रहे हैं और हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं प्रेम करना, इनका एक ही मकसद है कि मदर्स होते इनको ये गाइड करना कि हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाओ, अगर वो धर्मांतरण ना करे तो उनको पेटी टुकड़े और उनको सूटकेस में परोसो। ये उनके सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू बहनों को शिकार बनाया जा रहा है। बजरंग दल इनके किसी भी किसी प्रकार के होते उनके होते नहीं होने देगा, बुलंद होने नहीं होने देगा। बजरंग दल लगातार ऐसे जिहादियों पर नजर गड़ाए हुए, जैसे कैफे पर ये हिंदू बहनों को लेके जाते हैं,
गार्डनों में हिंदू बहनों को लेके आते हैं, होटलों में जाते हैं, तो बजरंगदल पूरी नजर जमाए हुए हैं और ऐसे जिहादियों पर उनकी ही भाषा में उनको जवाब देकर थाना पे सुपरत कर रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। थाना हीरानगर में गौरीनगर अंतर्गत एक 25 वर्ष की युवती है जिसने अनवर नाम के एक लड़के पर अपराध दर्ज करवाया। अनवर सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदराबाद कॉलोनी का रहने वाला है। उसने दिनांक 24 तारीख को युवती के घर आकर उससे छेड़खानी किया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। लड़की पूर्व से उसको जानती थी तो इसलिए उसने बाद में घर वालों को नहीं बताया। अभी जब घर वालों को आज बताया तो उसी पर वो अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कुछ लोग भी आए थे? हाँ, युवती के साथ 10-15 लोग और आए थे जिनमें युवती की रिपोर्ट लिखवाई है। इसमें बलात्कार, धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी आदि सभी धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश के लिए हमारी दो टीमें रवाना हो गई है जो लगी हुई है सदर बाजार क्षेत्र में और लगातार उसकी तलाश के लिए लगे हैं।